अचानक से उम्मीद है कि आप सब ठीक हो। इसको तो घना प्यार आ रहा है, 1:30 और अभी मैं इसको लेके आया घुमाने के लिए, है ना भाई। भाई अभी ना ये मेरे साथ, जब से मैं आया हूँ तब से मेरे साथ है, इसका मन नहीं लगता कि मेरे बिना। और भाई मैंने एक गाना सुना था, बदमाश छोरा बदमाश छोरा, वह क्या है याद है पामन में ये कैसे कर दिया ड्राइवर आए थे भाई, उनसे मिला था। बस सही बताऊँ तो सुबह नींद में रहना भाई, जब थोड़ा सा बस सकते हो, और बाकी कोई दिक्कत ना। मैं आया सुबह 6 बजे था भाई, भैया मिलने से बहुत दूर से आए थे, फिर मैं चल मिल लेता हूँ। बाकी भाई जो मैंने अलॉय लगवाए थे ना, वो भाई ने निकलवा दिए हैं, तो मुझे पता था वो टच हो, क्योंकि उसने ना गाड़ी को दिखाऊँ मैं कहाँ से टच कर दी गाड़ी को, ये वाला पोर्शन है पूरा, ये पोर्शन टच हो गया और कटने लग गया था टायर यहाँ से, तो इस वजह से मैं हिमांशु को बोल दिया था, हिमांशु हटवा दे भाई इनको, और जो ये वाला सीन है। तो भाई किसी को भी अगर वो वाले अलॉय चाहिए तो मैं उनको गिव अवे कर दूंगा। भाई यहाँ चल रहा विकास भाई का व्लॉग, और हमारे घर में ऑलमोस्ट वैसे राग नहीं सुनी जा, देख लो सारी राग नहीं चल रही है। देख रहे हो एक कपड़ा चढ़ गया ब्लू कलर का हमारे सोफे पे, मैं आपको एक चीज सुनवाता हूँ, रुक जाओ उसमें। एक बात बता भाई मोहतू, वो पहले कपड़े में क्या दिक्कत थी? ना 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 रुक जाना, पूछू मैं ये चीज पूछू, गंदा हो रहा भाई वो, तो गंदा हो रहा है तो मतलब कपड़ा ही चेंज, कपड़ा चेंज करवा दियो, अरे ब्लू में ब्लू पड़ता दिख रहा है तो। अच्छा ब्लू पड़ता, अच्छा हमारा रंग फिर दोहरा, तो हमारा घर का रंग चेंज करवा दो। एक चीज नोटिस ना करा जी, तेरा हमारा पूरा घर ब्लू भाई, देख किचन ब्लू ऑलरेडी, वो कमरा ब्लू, और हमने उस कमरे में ब्लू पर्दा लगाया, तो जाके देख उस कमरे एक बार। बाकी सब ठीक है ब्लू का मतलब, तो एक बात बता, सुन सोच के देखो, अगर कपड़ा चेंज हुआ कोई ड्राई क्लीन करवाई थी हमने, ना ना गंदा हो रहा। मम्मी और पापा पैसा, मम्मी तो और रुकने देंगे और बता दी बता मम्मी कपड़ा, जैसे मम्मी एक बात बता, तुम कपड़ा जो हम कपड़ा पहन रहे हैं उगंदो को तो धो तो मैं फिर फेंक दो नया पहरा, जो मैं थोड़ा घिसा फेंक दूंगा वहां, कितनी जींस फेंकी मैंने, इतना स्टोर्ज लगा रखा, कितना सारा कम से कम 20 पैंट में फेंक दी, उनके साथ चादर आ गई उनके बदले, चादर लिया है देख लो हमारा कपड़ा, 6,000-5,000 रुपए की जींस होगी उनके बदले चादर आई 200 रुपए की। अच्छा काय जिंदगी, और का कितनी चादर दी, चार बेडशीट आई हमारी मम्मी, तो आयो मैं सुबह मिला मम्मी, रोम रोम करी मम्मी, नू बिपु नो कही कि आ लियो, और कैसे कहती हैं बतावे, और का तुम वीडियो देखी है ना, देखी वीडियो सही होती है मेरी, शायरी नहीं देखूं मैं। अब नू बता तन कपड़ा क्यों चेंज करो, कितने चेंज करो तू, क्यों खर्चा करना करिए, ये बच्चे कर रहे हैं छोरी करवा रही, अच्छा कर रहे हैं देख लियो सुन ली, ये हो रहा रीजन वाली बनू, अच्छा कर रहे हैं पैसा खर्च, कोने जाएंगे मर जाएंगे चले जाएंगे, सही बात है। यू बात मम्मी की और बापू एक डायलॉग है, और कोने जाएंगे रुपया यही छोड़ जाएंगे, मर जाएंगे गिर जाएंगे, मर जाएंगे नू तो कहेंगे मैं घर में लगा के, हाँ अनु भी कह दूंगा मैं रुपये उड़ा के मैंने और कुछ बात करने वाला मैं सोते यार भूल गो मैं कर ले तो जो कुछ बात, थोड़ी तेज बोलेगा पहले तो तू सबनु क्या बात, मैं पता ऐसे ही बोले जाएगा मैं पे कैसे बोले जाएगा, तू वैसे दम पे बहुत चिल्ला के पड़ा है जब तू तो बात आवे, और तो अब तो आवाज नहीं कट रही, अरे मैं तो कुछ कह वाया मम्मी यार मेरे मुंह पे तो लिख गई, तो तू तेरी याद कर ले मैं तेरे काम कर रही हूं, अरे भूल गो मां कसम मैं तो उस बात करा यार बहुत तगड़ी बात थी, अरे कुछ हां हां सुन हमें ट्रिप पे जाना है कल, और हम भाई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, मम्मी वो मम्मी या घर वाला पूरी फैमिली जाएगी, हम कहाँ जाएंगे मम्मी जो तन बोल रखी है खाटू श्याम कल, बता कब चलना, अब नू सोच नई गाड़ी में जाएगी पुरानी में जाएगी, नू बता दे मो तो बस भाई, मैं तो सुनने पर अजी बात, मैं तो अपनी याई में जाऊँ, याई में जाएगी, याई में जाऊँ तो कोई बात नहीं हम चल पड़ेंगे, यू भी मेरी भी फेवरेट मम्मी है, बहुत प्यार करूँ मैं तो, प्यार कर तो तू मम्मी ज़्यादा लाडी तो करे करे प्यार, तो गाड़ी तो मैं गाड़ी पसंद है, लाडी ना वो लाडी ना चाहिए, वो लाइटिंग अच्छी कर, सोच रहे हो यूपी वाले के दवाई लाइन की कहां से ले आए तो मम्मी वो गाड़ी पसंद लाडी ना है, तो मैं लाइंडी ना है ना लाइंडिया ना लाइंडिया लाइंडिया वो लाइंडिया रहे लाइंडिया लाइंडिया रहे वे फॉर्च्यूनर में चाहिए फॉर्च्यूनर में जाएंगे, तो भाई हमने प्लान करा था, मम्मी ने मेरे को पहले ही बताया था जब मैं ट्रिप पे जा रहा था गुजरात वाले पे कि हमें काम करना है, हमें जाना है खाटू श्याम, फिर मैं चल मम्मी घूम के आएंगे, कह दिन मम्मी हमारी मम्मी घने दिन होली, वैसे मम्मी वैसे भी लास्ट टाइम गई 2010 में, मम्मी कुछ भी कहो ना बस भैंसन के चक्कर में रहे बस, वो वाली बात है जैसे हम लोग जो सोचा है नई लत्ता लेकर नई जूता लेकर, मम्मी ने सोचा नई भैंस लेकर आएंगी, भाई तो दूध प्यारी है तुम, हाँ दूध प्यारी है, भैंसन का शौक है, और बता अब कितने का भैंस, 180 बता 180 180,000 रुपये कोई भैंस होकर है,
बेटा ने देती तुम्हे ए मोग ही क्यों दिखाऊं मैं तो घी वैसे ना खा रहा हूं या घी कोई तो ना खावे कौन बात खा रहा है ए देख छोर मैं ना खा रहा हूं मैं कौन खा रहा हूं मैं तो मम्मी आते टाइम बाहर की रोटी खाऊं मैं तो तेरे नाना आते ना खा रहा हूं तू तो आज टाइम की रोटी खा रहा तू तो भाई बता कद खा मैं रोटी तो बढ़िया घी है ना तड़की का 20 किलो दूध काट दूं मैं ये देख लो दूध यार ने ये दूध का बस की ना दूध का हां हमने तो दूध आज ही रहन दे भाई या मैं देखियो पर्दा ये लगा इन पर्दा के चक्कर में मार जीना हराम कर रहा कौन लील अच्छा चद्दर भी लीली कर दी वाह मौज कर दी वाह मो तो ऐसा लगा हमारे घर वाले ने कि नील हाथ में लग गई कट्टा मो तो सब कुछ घोड़ दे लगा था हमने सब पूरे लीलो कर दियो अरे अब तो वाइट का टाइम चल रहा तुम लीले पे कहां चल रहे हो सब कुछ ब्लू कर दिया अब एक कौन कर ब्लू ज्यादा होगा ना अब वाइट करवा दे है ना वाइट तो पर्दा भाई जल्दी नहीं दिलवाएंगे तो वैसे ले आओ ना तो परमानेंट वाला है तो धोए ना यार तू ले आएगा क्यों हां क्यों 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 मैं क्यों लाऊंगा तू क्यों यार घर को ना तो घर का हूं तो नु थोड़ा ना मैं लाऊंगा मुझे मत ले आ रहा तू पीछे अरे ऐसा कर ले सुन मेरी बात सुन एक तो सोफा का कवर चेंज करवा दे वाइट करवा दे ठीक है अब सारे पर्दान वाइट करवा दे अब तो मैं चादर भी दे रहा चादर भी ले ली अरे यार कोसा चादर ले ली कहां चादर ले ली बिछरी छोटे वाले बेड पे अरे वो तो कल कुछ गिर गया तो बाद जो सनस्क्रीन यूज की थी ना टैनिंग नहीं हुई उससे और वीडियो बनाना देख रही चल रही है सिद्धू मूसे वाले का संबंध बड़ा कोई फैन ही ना बंबू और दोनों सिद्धू मूसे वाले के बहुत बड़े फैन है मैं हूँ ऑफ कोर्स हूँ भाई मैंने तो अभी सुने थे बट मैं सच में यार लिरिक्स के है जो अल्टीमेट थे मेरा पूरा दिन सोने में निकल गया क्योंकि भाई कल ट्रिप से आया था इस वजह से भाई नींद पूरी नहीं हुई थी क्योंकि 24 घंटे से ऊपर हो जाते मेरे को सोए हुए गाड़ी में सोया था वो भी मैं एक घंटे डेढ़ घंटे का मैंने पावर नैप लिया था उसके बाद भाई जागते रहे और सुबह 6 बजे पहुँचे 6 बजे आने के बाद मैंने थोड़ा सा जो व्लॉग बच रहा था वो एडिट किया उस एडिट करने के बाद मैं सो गया सोने के बाद फिर मेरे को फ़ोन आया फिर मैं उठ गया वापस से फिर मैंने थोड़ी देर बाद वो दूसरा व्लॉग एडिट किया मगर इस सीरीज़ को यहीं खत्म करते क्योंकि दूसरी ट्रिप की तैयारी करते क्योंकि अगर इस व्लॉग को खींचते मगर इसलिए मैंने और इस वजह से मैंने कि एक दिन में दो व्लॉग डाल दिए और भाई फिलहाल हम जा रहे हैं जिम हाँ भाई मैं बापू कह रहा हूँ बापू तो मिले ना यार बापू सही कह रहा मैं जिम करके फिर मिलूँगा वापस आकर तो अभी जा रहे हैं जिम मगर यार जिम तो देखो मिस नहीं करनी चाहिए 2 दिन बाद फिर निकल जाएंगे चक्कर राम राम भाई और भाई पूरे 7 दिनों बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठ रहा हूँ आज 7 दिन बाद 5 दिन बाद बैठा हूँ यहाँ की मान लो भाई बस जिस गाड़ी में मुझे मिसिंग लगती है वो है वेंटिलेटेड सीट बाकी तो गाड़ी में कोई कमी है ही नहीं इसमें आज जो भी साइन आया ना ऑयल का ये आता ही है गाड़ी जब पहली बार स्टार्ट होती है तो कभी कभी आता ही है एक हफ्ते मैंने ऑटोमेटिक चलाई और आज मैनुअल चला रहा हूँ तो अजीब सा लग रहा है मतलब बार बार गियर चेंज करना पड़ रहा है तो हो जाता है आदत पड़ जाती है जैसे जब स्टार्टिंग में मैंने ऑटोमेटिक चलाई थी जब उस टाइम ऐसा लग रहा था कि बार बार गियर पे हाथ जा रहा था और अब गियर पे हाथ ही नहीं जा रहा है भाई फिलहाल ये बंदा ऐसा है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 14 लॉन्च कैसा लग रहा है ये सेम ही जैसा सेम लग रहा है बट यार 14 आईफोन वही तो है ना कि भाई इसमें ना एक एप्पल लगा दिखा दिया क्या लगा यार मैं तो एडिटिंग करने के लिए अच्छा अच्छा लैपटॉप लेके आया हूं ना सही है मैं लूंगा पर 14 प्रो मैक्स नहीं लूंगा 14 ही लूंगा बस क्योंकि सेम 12 था तो 14 भी लकी रहेगा मेरे लिए 12 भी लकी था 14 भी रहेगा भाई ये सही है 14 लॉन्च होगा अब तुम वो गिफ्ट कर रहा हो ऐसा नहीं है मेरे को गिफ्ट तने मेरे को बोला था लास्ट टाइम जब 13 लाए थे कह रहा 14 मेरे तरफ से तो आज दोबारा बोल दिया नहीं है ये मूछ मूछ पटा ले थोड़ी सी और एक बार सिस्टम बैठ जा रहा है ना लगता है सर भाई तो भगत सिंह सर थैंक यू फॉर कंपेयरिंग मी विद लेजेंड बिल्कुल भाई बिल्कुल अरे यार जा किस तरह कर रहा हूं भाई घुमा ले यार कहीं भाई कहां घूमोगे इस इंसान को हम बोल रहे हैं हमारे साथ वहां चल भूटान अबे भूटान नहीं भूटान तो भूटान तो जाएगा ही भूटान तो जाएगा ही भूटान भूटान तो नहीं जाएगा 15 दिन तो छुट्टी मिल सकता भाई तो 8 दिन कह रहे हैं 10 दिन भाई कम से कम 12 दिन भैया कम से कम 10 दिन बात अच्छा 10 दिन देखेंगे फ्लाइट से आई विल कम
यार फ्लाइट से क्या यार मजा यार गाड़ी के आने में आपको डिफेंडर चलेगा चलेगा मेरी कसम डन होगी भाई डिफेंडर में चलेंगे लोग बेस्ट फ्रेंड डन है डन है डन है डन है डिफेंडर आने वाली कसम अगली चीज अब हमारे लखनऊ चल लखनऊ चल तो रहा हूं मैं डन है भाई सैटरडे को निकल रहे हैं मस्त भाई सारे भाई ने हो कर दी छोटे विकास भाई है हाँ तो भाई फिलहाल टाइम की और विकास भाई टाइम घड़ी पहना ही अरे मैंने भी नहीं पहन रखा तो सेम भाई दोनों भाई मैंने भी नहीं पहन रखा तो घड़ी देख के बता देना भाई फोन में बता देना देख के 12:08 हो रहे हैं और फिलहाल हम निकल रहे हैं यहाँ पे आए किसी आदमी मनाने आए मनाने किस लिए आए कि भाई ट्रिप पे जाना तेरी थार तो मैं कहता हूं अपर तू तो खाने लेने चला ना विकास भाई कहीं आए देखियो अच्छा विकास भाई जी आ रहा है फॉर्चुनर फॉर्चुनर होगी खड़े ग्रुप में हाँ, अच्छा है ना बढ़िया ना सारे भाई मजा आता है चला कि कल को एक कुछ भाई अपने एक दूसरे के मौके से पता होना चला सारे घोड़े खड़े हैं भाई वाह पहले ट्रिपल जीरो फिर ट्रिपल जीरो आठ फिर 6900 फिर ट्रिपल जीरो 3 वाह पर तो नंबर चेंज करना कटारिया नंबर तो बदलना था विकास भाई चलो विकास भाई ओके भाई चलो भाई ठीक है तो भाई फिलहाल पहुंच चुके हैं घर देखते हैं 14 कैसा आया है भाई मैंने वहाँ थोड़ी देर देखा था लाइव में फिर उसके बाद वो बहुत लंबी चीज दिखा रहा है कभी कुछ वॉच वॉच मार फोन देखते हैं अगर फोन अच्छा आया होगा तो फोन ले लेंगे नहीं अगर ज्यादा फर्क नहीं रहेगा तो फिर कैमरा ही लूंगा मैं अपने लिए चलो भाई खाना खाते और शायद हो सके तो कर देते इस ब्लॉग को यहीं एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना है नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गुड नाइट